हमास और इसराइल युद्ध से जुड़ी अहम खबर का रुख कर लेते हैं, जिसमें हमास से युद्ध पर इसराइल का बड़ा दावा सामने आया है। इसराइल का कहना है कि गाजा के भीतरी इलाकों में अब इसराइल घुसने वाला है। दक्षिण इसराइल पर फिर से कब्जा कर लिया गया है और अब युद्ध के अगले चरण की तरफ बढ़ रहा है इसराइल। अपने बंधकों को भी जल्द ही रिहा करवाएगा इसराइल, साथ ही साथ गाजा में एंट्री की तैयारी कर रही है इसराइली सिक्योरिटी फोर्स। यानी लगातार इसराइल का काउंटर अटैक अब हमास पर सामने आ रहा है। इससे पहले एक वीडियो भी सामने आया जिसमें इसराइली पुलिस ने हमास के दो आतंकियों को ढेर कर दिया। और दूसरी बड़ी खबर देखिए, इसराइल ने फिलिस्तीन पर हमले तेज कर दिए हैं। फिलिस्तीन के 500 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। इसराइल के हमले में 1600 आतंकी शव बरामद हुए हैं। इसराइल ने फिलिस्तीन पर हमले तेज कर दिए हैं। जल थल नभ, यानी तीनों जगहों से अब इसराइल जो है वो हमास को पूरी तरीके से नस्तानाबूद करने की फिराक में, और इसराइल के काउंटर अटैक अब हमास के लिए भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। इसराइल ने फिलिस्तीन पर हमले तेज कर दिए हैं, 500 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। वहीं इसराइल का यह भी दावा है कि 1500 से ज्यादा ठिकानों को हमास के पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। इसराइल ने फिलिस्तीन पर हमले तेज किए हैं। इसराइल का यह भी दावा है कि हम अपने बंधकों को जल्द रिहा करवाएंगे।